और मालदीव के बीच जो ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हुआ लॉन्च, भारत ने दी 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता। महाराष्ट्र के राजनीतिक विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई, संविधान पीठ के गठन पर होगा विचार। अस्पताल के बेड आईसीयू पर नहीं लगेगी जीएसटी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में दी सफाई। पंजाब से बिहार तक बारिश के आसार, केरल कर्नाटका को लेकर आईएमजी का अलर्ट। भारत को मिला एक और गोल्ड मेडल, टेबल टेनिस में सिंगापुर को हराया। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। अयोध्या में प्रदेश के खेल राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने विधान परिषद के सपा प्रत्याशी कीर्ति कोल का पर्चा खारिज होने के बाद अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। जनता का विश्वास उनसे उठा है और एक तरह से कहा जाए जब उनको राजनीति में उनका पदार्पण हुआ संवैधानिक पदों पर, एक तरह से कहा जाए कि मुख्यमंत्री पद के उन्होंने शपथ लिया, तब से लगातार तो हार रहे हैं। आप देख लीजिए कि 2014 में लोकसभा का चुनाव हार गए, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए जिला प्रशासन उनके हाथ में था, प्रशासन पूरा हाथ में था, तब भी चुनाव हार गए। और फिर 2017 में मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हुआ, वे चुनाव हार गए जो है, वे 2019 में भी हारे, 2022 में भी हारे। बिजनौर में वन विभाग के अफसर पिछले 4 साल से सावन नाम के हाथी का हर साल धूमधाम से 2 अगस्त को जन्मदिन मना रहे हैं। इस बार भी हाथी का सावन का जन्मदिन में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर वन विभाग ने बाकायदा स्पेशल फ्रूट केक सावन हाथी को खिलाकर जन्मदिन की खुशियां बटोरी। वन विभाग की इस पहल से जंगल में मौजूद हाथियों की कंडीशन, रख रखाव, खाने पीने के इंतजाम में आसानी हो रही है। दिन मनाया गया है जो सावन हमारे यहाँ जो हाथी है इसका, और ये हर साल हम इसका जन्मदिन मनाते हैं। तो इसका उद्देश्य यह है कि सभी लोग ये भी परख लें, जांच लें कि हाथियों की कंडीशन कैसी है, इनका प्रॉपर वैक्सीनेशन, प्रॉपर इलाज, सारी दवाइयाँ इनको प्रॉपरली मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, और उसके साथ साथ इनके खाने पीने का, इनके रहने की जगह स्थान का, इसका सभी का प्रबंध ठीक से किया जा रहा है कि नहीं। एलिफेंट्स जो हैं ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सुल्तानपुर में शाहगंज चौराहे पर नागपंचमी पर्व के मौके पर मेले का आयोजन किया गया, जिसका भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री विनोद सिंह ने पूजन अर्चन कर मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल भी मौजूद रहे और लोगों को नागपंचमी पर्व की बधाई दी। हिंदू पर्व का प्रथम त्यौहार है नागपंचमी, जिसमें नाग देवता की विधिवत पूजा अर्चना होती है, और इस सागन चौराहे पर, ऐतिहासिक चौराहे पर विगत 60 वर्षों से इस चौराहे पर नाग देवता की पूजा नागपंचमी के दिन विधिवत होती आई हुई है। विगत 2 वर्षों में पूरा देश, पूरा विश्व कोरोना काल के कारण ग्रसित था, यह त्यौहार हम लोग का नहीं हो पाया था। आज हम लोगों को पुनः नागपंचमी का त्यौहार मनाने का अवसर मिला है। मैं अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामना बधाई दूंगा। संबल हजरत नगर गढ़ी थाना क्षेत्र के गांव बराही में महिला शिक्षा मित्र अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद दबंगों ने महिला टीचर को जमकर पीटा और जान से मारने की धमकी भी दी। महिला ने आरोप लगाया है कि आबकारी विभाग के मिली भगत से अवैध शराब बिक रही है। जो दमंग लोग पड़ोसी को शराब बेचते हैं और जो दरवाजे में बेच के मेरे घर में दमंग लोग घुसाते हैं और मेरे बच्चों को पढ़ने लिखने दिए, मैंने विरोध किया तो मेरे आज गला दबा दिया। अब क्या आपने शिकायत की थाने में? थाने में कि मेरे गला दबा दिया, मेरे बच्चों को नहीं पढ़ने लिखने दे रहे हैं, शराब बेचते हैं। क्या चाहती हैं आप? ये चाहती हैं कि हम तो हमारे साथ ऐसा क्यों अत्याचार हो रहा है। थाने में तेरी दे दी दे दी
इससे पहले भी शिकायत की पुलिस से? पहले एक दूसरे की शिकायत करी थी, तीनों पड़ोसी तीनों दारू बेचते हैं। कानपुर में नरवल के महाराजपुर थाना क्षेत्र के विपौसी गांव में तालाब में डूबकर मासूम की मौत हो गई। मासूम की मौत से पीड़ित परिवार में कोहराम मचा है। जानकारी के मुताबिक मासूम की उम्र 2.5 साल बताई जा रही है। मासूम खेलते वक्त तालाब से अंदर चला गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। गाजीपुर के जोबानिया थाना इलाके के खिदेपुर अली नगर गांव में एक शख्स की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल मृतक का लव अफेयर आरोपियों की बहन से चल रहा था, इसी के चलते दोनों भाइयों ने शख्स को मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, थाना जमनिया क्षेत्र में 31/7/2022 एक मर्डर होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। मौका मुआयना किया गया था, फील्ड यूनिट और नसीओ साहब एसपी आर्य हमारे द्वारा मौका मुआयना जो है वो किया गया था। जो मृतक है उसका नाम अफसार उर्फ टीपू, उसकी पहचान जो है वो हुई थी। घर के बाहर ही उसकी डेड बॉडी जो है वो पड़ी हुई थी, गला का रेता हुआ था और इसकी तुरंत जो है वो तीन टीमों का इसमें गाजियाबाद में साहिबाबाद के मेवाड़ कॉलेज पुलिस चेक पोस्ट के पास पतंजलि स्टोर में लूट करने वाले लुटेरे को वसुंधरा सेक्टर 15 से पुलिस से मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से एक लुटेरा घायल हो गया। पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार करते हुए तमंचा कारतूस और चोरी की बाइक बरामद की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए 1102 चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें संयुक्त रूप से एसपी सिटी सेकंड साहब की टीम और इंद्रापुरम पुलिस की इंद्रापुरम की टीम जो है वो कनौनी पुलिया के पास चेकिंग कर रही थी, जिसमें चौकी इंचार्ज वसुंधरा और चौकी इंचार्ज नीतिखंड थे। अचानक दो बाइक सवार तेजी से निकले बैरियर की तरफ से, जहां इन लोगों ने पीछा किया तो पुलिस पार्टी पर फायरिंग की है। फायरिंग के दौरान पुलिस ने भी जवाबी फायर किया तो उसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी और एक फरार हो गया, जिसके लिए काउंटिंग की जा रही है। घायल बदमाश से जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि घायल बदमाश का नाम विनीत और बिन्नी है, जो कि थाना क्षेत्र वर्तमान में दादरी में रहता है और जिसके द्वारा 14 तारीख को अपने साथी के साथ मिलकर पतंजलि स्टोर। अब तक की खास खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।